जीवन के अंतिम समय में जो चिंतन अधिक जीव द्वारा किया होता है उसी का स्मरण मृत्यु समय में होता है, लेकिन कहीं कहीं जड़ भरत के चित्त में हिरण के बच्चे की भावना की भांति मृत्यु समय के निकट काल में किया हुआ अल्पकाल का चिंतन भी पुराने अभ्यास को दबाकर दृढ़ रूप में प्रकट हो जाता है और उसी का स्मरण करा देता है। और मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ जाता है, निरंतर उस भाव से भावित होते होते उसी को प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या मनुष्य मरने के बाद तुरंत ही स्मरण किए हुए उस भाव को प्राप्त हो जाता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु समय के भाव के बारे में। आप हमारे साथ इस धार्मिक चर्चा में जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक समय से पहुंच सके। मरने के बाद सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता होता निश्चित समय पर ही उस भाव को पूर्णतया प्राप्त होता है। किसी मनुष्य का फोटो लेते समय जिस समय फोटो खींचा जाता है उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है उसका वैसा ही चित्र उतर जाता है। उसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो की भांति अन्य सहकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित होता होता वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर अंतःकरण ही कैमरे का प्लेट है, उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति ही चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात ना मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले मनुष्य भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतरने का समय अत्यंत समीप है, पता नहीं वह अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। अतः जो भी जीवात्मा का भाव मृत्यु के समीप में होता है वह उसकी गति तय कर देता है, क्योंकि जैसे ही शरीर छूटता है जीवात्मा कोई कर्म नहीं कर सकता है और जो अंतिम भाव वहाँ पे छप जाता है वह बाकी तत्वों का सहायता ले लेकर अंत में उसी भाव को फलित करता है। इसलिए अंत समय मनुष्य का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तय करता है कि मनुष्य को किस तरफ घसीटा जाएगा। इस वीडियो को हम विराम देते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन मनुष्यों के बारे में जो जमीन मकान आदि निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करते हुए मरते हैं, उनका क्या होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस धार्मिक चर्चा में हमारे साथ में बने रहिए। जय श्री कृष्ण।